हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीज ब्लॉग। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वीडियोस बने हुए थे जब मैं कोलकाता गई थी, तो उन्हीं सबको एडिट करके मैं डाल रही थी वीडियो। तो मैंने सोचा कि ये ब्लॉग आज का बना लेते हैं। तो आज है 17 तारीख संडे और कल है तीज। तो आज जैसे कि एक दिन पहले नहा खा होता है, तो वही मैंने नहा लिया है। नहा के शैम्पू वगैरह कर लिया है, शैम्पू वगैरह करके नहाना पड़ता है इसमें। तो और आज वो होता है ना कि नहा खा में नेल वेल काट के, मतलब जो भी नॉनवेज वगैरह खाए रहते हैं तो उसके लिए छुआ जाता है, तो नेल वेल कट करना पड़ता है। तो वो सब मैं कट कर ली हूँ, बस नेल पॉलिश नहीं हटाई हूँ। नेल पॉलिश हटा के दूसरा नेल पॉलिश लगाऊंगी। तो अभी क्या करूँगी मैं, पहले तो मैंने पूजा कर लिया, नहा वहा के रेडी हो गई, पूजा कर लिया। और आज मैंने ऑरेंज सिंदूर लगाई है, ये मेरी शादी का सिंदूर है, तो ये कल भी मैं यही सिंदूर लगाऊंगी। तो आज नहा खा है, तो आज बहुत सारे काम ऐसे हैं, घर की सफाई वगैरह कर दिया है मैंने। और आज प्योर वेज खाना बनेगा, मतलब जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं होता है खाने में। तो बस मैंने चढ़ा दिया है, खाना बन रहा है और सारे काम भी कंप्लीट हो चुके हैं, पूजा भी कर लिया है। और पूजा का जो कल पूजा है उसके लिए सामान वगैरह लाना है, जितने भी पूजे के सब पूजा का सामान होता है वो सब लाना है, तो वो मैं शाम को जाके लाऊंगी। और आज लगाऊंगी मैं मेहंदी, हाथों में मेहंदी भी लगाऊंगी। मैंने मेहंदी वाले को बोल दिया है, वो घर आके लगा देंगे क्योंकि अभियान छोटा है, मैं बाहर जाके लगा नहीं सकती हूँ इस वजह से। और पिछली बार जब मैंने तीज व्रत किया था तो अभियान मेरे टमी में था, मतलब वो 7 मंथ में, मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी मैं उस समय, तो मैंने फास्टिंग की थी तीज की। और इस बार करूँगी मैं, तो ऐसे ज़्यादा मैं, हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं 12 बज चुके हैं। अब व्यान को मैंने खिला पिला के रेडी कर दिया है, लेकिन मैं इसको सुला रही थी तो ये सो नहीं रहा है। और मैं सोची थी कि सुला कर मैं अपना नेल पॉलिश वगैरह लगाऊंगी आज, क्योंकि कल टाइम मिले नहीं मिले, क्योंकि आज हस्बैंड घर में है तो फ्री हूँ मैं थोड़ा। कल वो ऑफिस, अगर काम रहा तो ऑफिस चले जाएंगे, फिर मुझे पूरा दिन फास्टिंग में अभियान को संभालना पड़ेगा इसीलिए। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर ली थी, और ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया था आलू का भुजिया, बिल्कुल प्याज व्याज नहीं दिया था, बिल्कुल वेज में। और रोटियां बनाई थी घी लगा के, और एक मिठाई खाई थी ब्रेकफास्ट में। और दोपहर में देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी आज। तो ब्रेकफास्ट हो गया, अब मैं सोच रही हूँ अपने नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ, और शाम को मैं मेहंदी वाली को भी बुलाई हूँ, तो इसीलिए चलिए आपसे मिलते हैं थोड़े देर में। या तो इसको सुला के नेल पॉलिश वगैरह लगाना स्टार्ट करते हैं, पैरों में हाथों में जो होता है वो सब लगा लेती हूँ मैं अभी। हाय गाइस, अभी बज रहे हैं 2 और मैं लंच बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। लंच ऑलरेडी बन गया है, मतलब थोड़ा सा बनना बाकी है, सब्जी बन रहा है। और मैंने लंच में आज बनाया है दाल चावल, और विदाउट लहसुन वगैरह कुछ नहीं, दाल चावल और बैंगन का भाजा और बरबट्टी आलू की सब्ज़ी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अभी यहाँ पे सब्जी चढ़ी हुई है और सब कुछ बन गया है, बस सब्जी बन रही है लास्ट। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर मेहंदी लगाएंगे। तो यहाँ सब्जी भुन गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ धनिया पाउडर बस। और नमक मैंने पहले ही दे दिया है सब्जी में, तो बस इन सबको भून कर और पानी डाल देंगे, थोड़ा बिल्कुल कम पानी डालेंगे, सूखी सूखी ही सब्जी बनाएंगे इसे। तो फ्रेंड्स, खाना बन गया, सब्जी भी बन गया, देखिए
मैंने ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनाई क्योंकि विदाउट लहसुन प्याज ग्रेवी वाली सब्जी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए सूखी सूखी सब्जी बनाई है और दाल चावल और बैंगन का चॉप आपको दिखा दूँगी। ये है बैंगन का कुर्ता, चावल। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, हस्बैंड खा चुके हैं, अब मैं खाऊंगी और उसके बाद रेस्ट करेंगे, तो मिलते हैं आपसे शाम को। हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ शाम को, तो यहाँ पे 4 बजे मैंने बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन ये जो मैडम है ये आई नहीं 4 बजे, 5 बजे आई। और अव्यान को मैंने सुलाया था कि मैं फटाफट मेहंदी लगा लूँगी, लेकिन जब ये आई तब अव्यान उठ गया था। बहुत परेशानी हुई मुझे मेहंदी लगाने में, और हस्बैंड भी घर में नहीं थे उस समय, बाहर गए हुए थे। तो जैसे तैसे अव्यान को मैं नीचे वो बेड के नीचे खेल रहा था और मैं यहाँ पे मेहंदी लगवा रही हूँ, और वो बहुत परेशान कर रहा था, मतलब सारे सामान जो नीचे थे वो सबको उठा उठा के फेंक रहा था। आपको दिखाऊँगी अभी थोड़ी देर में, आप देखना क्या बदमाशियाँ करता है ना वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ मैं मेहंदी लगा रही थी। पता है क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आप मेहंदी के पहले आपको मतलब जब भी मेहंदी लगाना है तो बहुत सारे डिज़ाइन माथे में रहेंगे, मतलब माइंड में रहेंगे कि ये डिज़ाइन लगवाऊँ वो डिज़ाइन लगवाऊँ, आप सेव करके भी रखोगे। और जब लगाने बैठोगे ना मेहंदी, तो आपको कोई भी डिज़ाइन समझ नहीं आएगा कि क्या डिज़ाइन लगवाऊँ। बहुत कंफ्यूज़ हो गई थी मैं भी, और ये भी कंफ्यूज़ हो गई थी। ये तो स्टूडेंट है, 12th क्लास में पढ़ती है, लेकिन ये चलो मेहंदी लगा दिया इसने मेरा, और जैसे तैसे करके जो भी नॉर्मल ठीक ठाक अच्छा से मेहंदी लगा दिया इसने मेरा। और ये जो अव्यान आप देख रहे हो ना उधर खेल रहा है, इतनी बदमाशियाँ करता है ना वो, देखो आप साइड में कैसे वो खेल रहा है। और जो ड्रॉयर में जितने भी सामान रखे हैं वो सबको उठा उठा के फेंक रहा था, मुंह में ले रहा था, यही सब कर रहा था वो। तो चलिए वीडियो में आगे इंजॉय करिए। ये तो मैंने 2 फाइनल डिज़ाइन ये सेलेक्ट किया था, पहले तो ये और दूसरा मैंने दूसरे हाथ में लगाया है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी बाद में लगाने के बाद। और लगाने के बाद वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं, इसलिए मेहंदी का ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं किया। लगाते वक्त एक हाथ से जितना शूट हो पाया वही किया मैंने, और जब मैं रेडी हो जाऊँगी तीज वाले दिन आपको फुल लुक मेरा देखने को मिलेगा। तो मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, और चलिए आगे वीडियो में बने रहिए। निकल जाएगा बेटा, पूरा गिर जाएगा डोर आपके ऊपर, हाँ गिर जाएगा। बैड बॉय, बैड बॉय, आप गंदे बच्चे हो, हाँ गंदे बच्चे हो आप, हाँ तो थोड़ा सा मेहंदी लगाते लगाते मेरे हस्बैंड आ गए थे, और फिर उसके बाद अव्यान को वो संभाल रहे थे, और मैं आ गई थी डाइनिंग हॉल में नीचे मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि रूम में फिर वो खेलेगा उसके अपने पापा के साथ। तो मैं नीचे आ गई थी और नीचे आराम से फिर हम लोग मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एक होता है ना कि आप जल्दी जल्दी बच्चे परेशान कर रहे तो मेहंदी ख़राब हो जाता है, और इतने दिनों के बाद मैं लगा रही हूँ मेहंदी, तो मैं चाहती थी कि मेरा मेहंदी ख़राब ना हो, प्रॉपरली सूखे। लेकिन अव्यान क्या होता है ना, इतना परेशान करता है अपने पापा को भी, कि वो भी मुझे बोलते हैं बार बार कि तुम संभाल लो थोड़ा, मैं काम कर रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ मेहंदी लगाते लगाते मेरा हाथ सूख गया था एक हाथ, तो मैंने जैसे ही मेरा दोनों हाथ कंप्लीट हुआ मुझे मेहंदी उतारनी पड़ी, क्योंकि अव्यान इतना बदमाशी कर रहा था और उसे खिलाना भी था खाना इस वजह से, और लेट भी हो गया था मेहंदी लगाने में, क्योंकि ये मैडम जो है वो लेट ही आई थी मेहंदी लगाने के लिए, इसलिए बहुत लेट हो गया था। और अब जान को खिलाना भी था मुझे, और क्योंकि वो अपने पापा से खाता नहीं है, उन्होंने कोशिश किया था खिलाने को, लेकिन बहुत मेहनत लगती है उसे खिलाने में खाना। तो इसीलिए जैसे ही मेरा मेहंदी सूख गया मैंने मेहंदी को उतार लिया, ज़्यादा देर मेहंदी को रखा भी नहीं मैंने, लेकिन अच्छा कलर आ गया था फिर भी, मेहंदी अच्छी थी कावेरी मेहंदी थी तो कलर अच्छा आ गया था। तो
चलिए आगे वीडियो में एंजॉय करिएगा। और पता है जैसे मेरा मेहंदी कंप्लीट हुआ, मैंने मेहंदी निकाला, फिर अभियान को खिला के रेडी किया और फिर हम निकल गए मार्केट के लिए, क्योंकि रात हो गई थी, 8 बज चुके थे, 8:30 आई थिंक बज चुके थे। कैसे भूख लगा, कैसे सारा खा लिया, तो इसको भूखे छोड़ देंगे हम लोग अब से। इसको भूखे छोड़ देंगे हम लोग, जब ये भूखे रहेगा तो ये खाना सारा खा लेगा, है ना चूना बाबू? ना दूध पिलाया ना कुछ पिलाया, अपने आप सारा उड़ के खा लिया। नहीं 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 चुओ, नहीं चुओ, बारिश हो रही है। हाय गाइस, तो हम लोग आए हैं बाजार पूजा की सामग्री लेने के लिए और थोड़ी सब्जियां भी लेने के लिए, और बारिश स्टार्ट हो गया। जब घर से निकले थे तब बारिश नहीं हो रही थी, अब बारिश स्टार्ट हो गया तो अभी थोड़ी कम हो गई बारिश। तो हस्बैंड बाहर गाड़ी से बाहर निकल के वो ले रहे हैं थोड़े फ्रूट्स वगैरह पूजा के लिए और सब्जियाँ, और मैं अभियान को लेके बैठी हूँ। अभियान जब भी गाड़ी में आता ना, आजकल ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, सुना आपने, जैसे ये बड़ा हो रहा है वैसे ये बदमाशियां करना बहुत ज्यादा कर रहा है आजकल। गाड़ी में कोई भी बटन दबा देता है, स्टेयरिंग पकड़ के हिलाता रहता है, इतना बदमाश हो गया आजकल ये। और मैंने मेहंदी भी लगवा ली है, लेकिन अभियान के वजह से मुझे मेहंदी जल्दी उतारनी पड़ी, मतलब पता नहीं अच्छा कलर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इसके वजह से मुझे मेहंदी को उतारनी पड़ी। मतलब मैंने एक घंटा लगाते लगाते ही सूख गया और मैंने उतार लिया, मतलब मैंने एक डेढ़ घंटा भी मैंने नहीं रखा होगा हाथ में। जैसे मेहंदी लगाई उसके बाद दूसरा हाथ सूखा, वैसे मैंने उतार दिया मेहंदी। अभियान लग जाएगा बेटा चोट, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, आगे आपके साथ आज का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ पूजा के एक तीज के एक दिन पहले शॉपिंग का। तो फ्रेंड्स, हमने सब्जियाँ ले ली थी, सबसे पहले हम सब्जियाँ लेने ही गए थे मार्केट, उसके बाद हम आते वक्त, घर आते वक्त हमने ये पूजा की जो सामग्री की दुकान होती है वहाँ पे रुके और जितनी भी पूजा की सामग्री है वहाँ से लिया, और फूल माला भी नहीं लिया हमने क्योंकि नेक्स्ट डे लेंगे, क्योंकि बासी हो जाता वो, इसीलिए सोचा हमने कि नेक्स्ट डे ही लेंगे। तो हम फिर उसके बाद घर आ गए, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।